ये सृष्टि 84 घटनाओं से गुजर चुकी है, 84 बार ये हो चुका है। इस अर्थ में सिर्फ 21 अब तक किसी रूप में मौजूद है, 63 पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे ढूंढें, पर आप उन्हें अपने सिस्टम में याददाश्त के चिन्हों के रूप में देख सकते हैं। चौरासी एक महत्वपूर्ण संख्या है आज हमारे जीवन में, चाहे हम इसके बारे में जागरूक हों या ना हों। 84 क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए क्योंकि यह सृष्टि गुजर चुकी है। 84 घटनाओं से 84 बार यह हो चुका है, यह 84वीं घटना है। आज आधुनिक विज्ञान प्रमाणित करता है कि पूरी सृष्टि बस कंपन है। यह मेरा आविष्कार नहीं है, यह वैज्ञानिक तथ्य है। जहां कंपन होता है वहां ध्वनि भी होगी। हाँ, क्या यह ठीक है? मैं तार्किक रूप से चरण दर चरण जाना चाह रहा हूं। जाने के और भी तरीके हैं, बस ऐसा करके मैं आपको एक अलग तरीके से समझा सकता हूं। लेकिन हम चरण दर चरण जाना चाहते हैं। जहां कंपन होता है वहां ध्वनि भी होगी, कैसा है? तो आप सिर्फ एक कंपन नहीं है, आप एक ध्वनि भी हैं, बल्कि एक शोर है। वे जो आवाज कर रहे हैं और वे जो नहीं कर रहे हैं, आप सभी लोग एक ध्वनि हैं। यही आधुनिक विज्ञान कह रहा है। और बहुत पहले किसी ने आपसे कहा था कि सबसे पहले शब्द था, और वो शब्द है भगवान। आप जानते हैं बहुत पहले ये कहा गया था। ध्वनि एक शब्द है ना, बल्कि एक शब्द ध्वनि है। फिलहाल मैं अगर हां कहूं, क्योंकि आप ये भाषा जानते हैं, तो आप उससे एक अर्थ जोड़ रहे हैं। अगर आपको यह भाषा ना आती, तो जहां तक आपका सवाल है, मैं बस एक आवाज पैदा कर रहा हूं, है ना? क्योंकि आप उनकी भाषाएं नहीं जानते, आपको लगता है कि वो कुछ अजीब आवाजें पैदा कर रहे हैं। नहीं, वे कुछ बोल रहे हैं। अगर मैं ऐसी भाषा में बोलूं जो आप नहीं जानते, तो आप स्वाभाविक रूप से सोचेंगे कि मैं कुछ अजीब आवाजें पैदा कर रहा हूं, है कि नहीं? अगर मैं अभी इस समय तमिल में या कन्नड़ा या तेलुगु या कोई और भाषा में बोलूं जो आप नहीं जानते, आपको लगेगा मैं कुछ, आपको पता नहीं चलेगा कि मैं वाकई किसी भाषा में बोल रहा हूं या कुछ बकवास आवाजें पैदा कर रहा हूं, है कि नहीं? तो शब्द बस एक ध्वनि है। तो उन्होंने कहा कि वो शब्द है भगवान, क्योंकि कोई भी इंसान जिसने अस्तित्व को पास से देखा है, वो देख सकता है कि जिसे आप सृष्टि कहते हैं और जिसे आप सृष्टा कहते हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। अगर आप उन्हें अलग करें तो सृष्टि का अस्तित्व नहीं रहेगा। जब तक कि इसे सृष्टा का निरंतर सहारा नहीं मिलता, एक पल के लिए भी यह सृष्टि की प्रक्रिया नहीं चल सकती, क्योंकि सृष्टि बन नहीं चुकी है, यह निरंतर बन रही है। हाँ, क्या आप निरंतर बन रहे हैं या बन चुके हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बन नहीं चुके हैं। You're an ongoing process. आप एक जारी प्रक्रिया हैं। सृष्टि की भागीदारी के बिना सृष्टि एक जारी प्रक्रिया कैसे होगी? वो निरंतर भागीदारी है, वो अलग नहीं हो सकता। तो इसी वजह से उन्होंने कहा सबसे पहले शब्द था, मतलब
from total, unmanifest. पूर्ण अव्यक्त अस्तित्व जिसकी जब अभिव्यक्ति शुरू हुई तो सबसे पहली चीज जो हुई थी वो ध्वनि थी. वैज्ञानिक भी सहमत हैं कि बिग बैंग हुआ था. बैंग मतलब ध्वनि है ना. भारत में बहुत सुंदर तरीके से व्यक्त किया गया है कि पहले और एकमात्र ईश्वर जो दुनिया के इस हिस्से में मौजूद थे वे थे रुद्र. रुद्र का मतलब है वे जो गरजते हैं, गरजने वाले. तो उन्हें रुद्र इसलिए कहा गया क्योंकि यही सृष्टि की शुरुआत है, क्योंकि ये एक गर्जन है. वैज्ञानिक इसे बैंग कहते हैं. अब वैज्ञानिक बैंग के सिद्धांत को वापस ले रहे हैं कि एक बिग बैंग हुआ था. वे कह रहे हैं कि कई बैंग हुए थे. तो आज के एक मशहूर भौतिक विज्ञानी जिन्होंने कई मशहूर किताबें लिखी हैं, हाल ही में उन्होंने एक किताब लिखी है. मैंने वो पढ़ी नहीं, मैं उनसे मिला. उन्होंने एक किताब लिखी है, एंडलेस यूनिवर्स. हाँ, अंतहीन ब्रह्मांड. हमेशा विज्ञान ने यह विश्वास किया है कि हर चीज की एक शुरुआत और एक अंत होता है. अब भौतिक विज्ञानी अंतहीन ब्रह्मांड के बारे में बात कर रहे हैं. यौगिक प्रणाली में हमेशा एक निरंतर फैलते हुए ब्रह्मांड की बात की गई है. पहली बार शीर्ष स्तर के भौतिक विज्ञानी ये मानने लगे हैं कि कोई शुरुआत या अंत नहीं है, ये अंतहीन ब्रह्मांड है. ये एक मशहूर सिद्धांत है जो अभी वैज्ञानिक समुदाय के बीच है कि ब्रह्मांड अंतहीन हो सकता है. तो जब मैं इनसे चर्चा कर रहा था, मैंने पूछा कि क्या यह संभव है कि वो एक बैंग नहीं बल्कि एक गर्जन थी, एक निरंतर गर्जन. उन्होंने इस बारे में सोचा और उन्होंने कई चीजों के बारे में सोचा और वे बोले ये हो सकता है. शायद वो एक बैंग नहीं था, वो एक गर्जन थी. वो एक पल में नहीं हुआ, वो कुछ समय तक गर्जा और फिर धीरे धीरे सृष्टि बनने लगी. तो पहला रूप, पहले ईश्वर को गरजने वाला कहा गया. रुद्र मतलब गर्जन करने वाला. तो मैंने पूछा, आपको क्या लगता है उन्होंने कितनी बार गर्जन किया होगा? वो बोले, हम कह नहीं सकते. हम कह नहीं सकते क्योंकि हमारे पास जानने का कोई तरीका नहीं है कि कितनी बार, लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने एक से ज्यादा गर्जन की थी. फिर मैंने कहा, किसी दिन अगर आपकी खोज आपको वहां पहुंचाती है तो इसे एक सहायक चिन्ह के रूप में रखिए कि वे 84 बार गर्जे थे. उन्होंने पूछा, आप कैसे जानते हैं, किस आधार पर ये कह रहे हैं? मैंने कहा, अपने सिस्टम में देखकर मैं कह रहा हूं कि सृष्टि ने 84 बार गर्जन किया है और ये आगे भी कई गर्जन करेगी. ये कुल मिलाकर 112 बार गर्जन करेगी. जब ये आखिरी बार गर्जन करेगी तब कोई शुरुआत और कोई अंत नहीं होगा, ये शाश्वत सृष्टि होगी. वो बहुत दूर है, पर मैंने उनसे कहा कि आप 84 को किसी तरह के सहायक स्तंभ के रूप में रखिए. आपके पास मशीन और गणित है. मैंने एक और एक कितना है ये भी नहीं सीखा. आपने ये सभी चीजें सीखी हैं, आप उन पर काम कीजिए. किसी दिन अगर आप एक संख्या तक पहुंचेंगे तो आप इस संख्या तक पहुंचेंगे, ये 84 होगा. ऐसा कैसे हो सकता है, उन्होंने पूछा. मैंने कहा, अगर आप आज एक पेड़ काटते हैं तो लोग उसके तने में मौजूद छल्लों या चक्रों को देखकर कहते हैं कि पिछले हजार सालों में अकाल कब पड़ा था, ज्यादा बारिश कब हुई थी, आग कब लगी थी, सब कुछ है ना. अगर आप अपने सिस्टम में अपनी जागरूकता का इस्तेमाल करके प्रवेश करते हैं तो इस सृष्टि का पूरा इतिहास इसमें लिखा हुआ है. 84 बार ये सृष्टि गरज चुकी है. हम इस 84वें गर्जन में हैं. 84 गर्जनों के कारण जो हुआ है, हम वहां हैं.
उन 84 सृष्टियों में से जो हुई हैं, 83 हो चुकी हैं, ये वाली हो रही है। इनमें से जैसे सृष्टि हो रही है निरंतर, विलीन होना भी निरंतर हो रहा है। तो विलीन होने की प्रक्रिया कुछ सृष्टियों के लिए शुरू हुई और ये विलीन होती गईं। उनमें से सिर्फ 20 अब तक विलीन होने की प्रक्रिया में हैं। विलीन होने के अलग अलग स्तर हैं, बाकी की पूरी तरह से मिट चुकी हैं, सिवाय इसके कि आप अपनी जागरूकता में उन्हें देख सकते हैं, इस सृष्टि में देख सकते हैं, क्योंकि किसी रूप में इनमें उनका शेष भाग या अनुभव मौजूद है। उसी तरह जैसे आपके जीवन का अनुभव आपके हर काम में आपके साथ होता है, सृष्टि की प्रक्रिया भी हर सृष्टि का अनुभव अगली सृष्टि में अपने साथ लेती आई है, अगले में और उसके अगले में, हालांकि वे पूरी तरह से अलग हैं, हालांकि वे पूरी तरह से अलग हो सकती हैं। देखिए, आप स्कूल गए और फुटबॉल खेली और ये 25 साल पहले हुआ था। अब अचानक से अब आप 45 साल के हैं और एक चोर आपके घर में घुस गया। जब आपके घर में चोर घुसता है, यू आर नॉट गोइंग लाइक दिस, यू विल गो लाइक दिस। आप आ करके ऐसे नहीं करते, आप ऐसे करेंगे क्योंकि आपका फुटबॉल का खेल अचानक ऐसी चीज जो आप पूरी तरह से भूल चुके हैं, वो कहीं आपके सिस्टम में है, वो बाहर आ जाती है। आप चोर को एक फुटबॉल की गेंद की तरह मारते हैं, ना कि कराटे केक या कलरीपट्टू केक या किसी और तरह। तो वो अनुभव, आपने फुटबॉल शायद 1 महीने या 3 महीने के लिए खेली होगी, लेकिन वो अनुभव, उस अनुभव का बचा हुआ हिस्सा आप में अब भी गहरा समाया हुआ है और ये कहीं एक बिल्कुल अलग जगह में व्यक्त होता है। इसी तरह आप हर समय विकसित हो रहे हैं, इसी को हम कर्म कहते हैं। तो ये व्यक्तिगत कर्म है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक ब्रह्मांडीय कर्म होता है, सृष्टि का अपना कर्म होता है, क्योंकि सृष्टि खुद एक कर्म है ना? सृष्टि का बनना क्या यह काम नहीं है? काम मतलब कर्म, यह कर्म है। उस कर्म का बचा हुआ हिस्सा हमेशा अगले स्तर की सृष्टि तक और फिर अगले स्तर तक पहुंचता है। इस तरह से कुल मिलाकर 84 सृष्टियां हुई हैं या 83 हुई हैं, ये 84वीं हो रही है। इनमें से पुरानी सृष्टियां पूरी तरह से विलीन हो चुकी हैं, उनका अस्तित्व बस अपनी सृष्टियों में